हेलो दोस्तों, कुकिंग हिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेल की शरबत। ये गर्मियों में बहुत ही राहत देती है, बहुत ही इजी है। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक पके हुए बेल ले लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही इजी से मार्केट में भी मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं मार्केट से, लेकिन बेल पके होने चाहिए। तो इसे आप किसी तरीके से तोड़ सकते हैं, पटक कर जमीन पे दो भाग में कर लीजिए, या कोई बड़ा सा खल लेके इसे ऐसे दो तीन बार ऐसे करेंगे तो ये इजी से टूट जाते हैं। ये देखिए ऐसे बीच भाग में ऐसे इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए इसकी कितनी मीठी मीठी, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है बेल में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेल के बीज हैं वो एकदम से साइड से हैं, तो आप इस तरीके से बीज निकाल सकते हैं, या फिर बाद में आप छानेंगे तो वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो ये देखिए इसके जो बीज है बहुत ही रसीली होती है और उसमें से शहद जैसा कुछ निकलता है, लेकिन वो हमें यूज का नहीं है, उसे हम साइड करेंगे। इसके हमें सिर्फ पल्प्स की ज़रूरी है, जो बीज का भाग है उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे और किसी भी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो बाकी के जो पल्प्स हैं उसे भी हम चाकू के हेल्प से निकाल कर इसी बाउल में हम डालेंगे। बहुत ही ये टेस्टी लगती है, बहुत ही ये स्वादिष्ट है। गर्मी में तो ये रामबाण है गर्मी से राहत पाने के लिए। तो इसे हम किसी बाउल में डालने के बाद पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे मसलेंगे। हाथ को अच्छी तरह से आप वॉश करके फिर आप यूज करें। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसे मैश कर लिए हैं हाथों से, और ये देखिए इसके सारे रेशे और बीज साइड हो गए हैं। तो इन्हें हम छान लेंगे दूसरे बर्तन में। ये देखिए इस तरीके से जब आप छानेंगे तो बहुत ही इजी से इसके रेशे और बीज बाहर आ जाएंगे, ये देखिए। और आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो कम चीनी, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल लें। और यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना आप ठीक चाहें उतना कम पानी डालें, अगर आप पतला चाह रहे हैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालें। तो यहाँ पे बेल की शरबत बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही ये टेस्टी लग रही है देखने में, और उतना ही टेस्टी है इसे पीने में। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन गर्मियों में। इसमें आप आइस क्यूब रख सकते हैं, थोड़े थोड़े से बर्फ़ डाल सकते हैं। यहाँ पर तो हम फ्रिज के पानी ही डालकर इसे बनाए हैं। तो ये लीजिए, इस गर्मी में गर्मी से राहत पाने के लिए बेल की शरबत बनकर तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।